भारतीय जनता पार्टी 2024 में जातिगत जनगणना के सवाल पे, ओबीसी के आरक्षण के सवाल पे सत्ता से चली जाएगी, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने मंडल कमीशन के बाद सबसे बड़ा क्रांतिकारी फैसला लिया है कि 50% का जो कैप है उसको हटाया जाए और पिछड़ों को उनकी आबादी के अनुपात में उनको उनका आरक्षण दिया जाए। न्यूज़ टाइम मीडिया से बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के संगठन मंत्री दिनेश यादव जी मौजूद हैं और आज इन्होंने समरसता पर कांग्रेस आज प्रोग्राम कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उस पर क्या वजह है, क्या करने की तैयारी है या 2024 को लेकर क्या तैयारी है, इस पर इन सब पर ढेर सारी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, मैं बात करूँगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ टाइम मीडिया में। धन्यवाद सर। समरसता पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, क्या क्या मुद्दा है, क्या वजह है? देखिए, सामाजिक न्याय का एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है जातिगत जनगणना। हमारा ऐसा मानना है, या जो भी हिंदुस्तान के समाज को समझते हैं वो ये मानते हैं कि बिना जातिगत जनगणना के सामाजिक न्याय की अवधारणा मुकम्मल नहीं हो सकती, पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के सवाल पे हम अधिवेशन कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं। इस सम्मेलन के बाद मंडलवार हम कार्यक्रम तय करेंगे और हर मंडल में जाके ओबीसी समाज के लोगों को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद पूरे प्रदेश में जिलावार आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे, आंदोलन करेंगे। सर, जातिगत जनगणना जो है इसको लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भी पार्टियां इसके पक्ष में हैं, पक्षधर हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जातिगत जनगणना है? देखिए भारतीय जनता पार्टी 2024 में जातिगत जनगणना के सवाल पे, ओबीसी के आरक्षण के सवाल पे सत्ता से चली जाएगी, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। जो पॉलिटिकल पार्टियाँ इस बात को उठा रही हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप इस मुद्दे को जमीन पर लेके चलिए, सड़क पे ले चलिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कांग्रेस के बैनर पे आइए, मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी राजनीतिक पार्टी का झंडा डंडा लेके जनता के बीच में जाइए और कहिए कि देखो पिछड़ों का ये सवाल है, देखो जो है पिछड़ों का हक मारी करने वाली ये सरकार है, इसके खिलाफ लड़ना है। तो जो पॉलिटिकल पार्टियाँ इस मुद्दे को उठाती हैं जातिगत जनगणना के सवाल पे, चाहे ओबीसी के आरक्षण पे, हम सारे लोगों का स्वागत करते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई सड़क पे लड़ी जाए। अभी कर्नाटक में कांग्रेस बहुत बड़ी जीत हासिल की है, आपको क्या लगता है कि 2024 में कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी और किस तरह से जीत हासिल करेगी? देखिए, 2024 का जो ट्रेलर है वो इस देश की जनता ने हिमाचल में देखा है, कर्नाटक में देखा है, अभी इसके बाद छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना में, मिजोरम में चुनाव होने हैं। ये चुनाव पूरी पिक्चर का इंटरवल तक आपको सीन दिखा देगा कि 2024 में क्या होने जा रहा है। कांग्रेस की टैगलाइन है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ठीक है, इसको लेकर आप कैसे? देखिए, हमारे नेता लगातार जो है सामाजिक न्याय की बात करते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने मंडल कमीशन के बाद सबसे बड़ा क्रांतिकारी फैसला लिया है कि 50% का जो कैप है उसको हटाया जाए और पिछड़ों को उनकी आबादी के अनुपात में उनको उनका आरक्षण दिया जाए। सुनने में आया कि राहुल गांधी जी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है, तो इसके लिए कांग्रेस किस तरह से रणनीति? जिन्होंने पासपोर्ट जब्त किया है 2024 में जनता उनकी जमानत जब्त कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन रवि के साथ राजेश यादव, न्यूज़ टाइम मीडिया, लखनऊ।